हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो अभी रिसेंटली जो OCI है, यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो हैं, उन सब कार्ड होल्डर्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज किए गए हैं। तो वो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ जैसे OCI हो गया, या फिर NRI हो गया, या फिर फॉरनर्स जो होते हैं, इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उसके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन को जो सिटीजनशिप का एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसका एक सेक्शन है, सेक्शन 7B, उसके अंदर इस नोटिफिकेशन को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा जारी किया गया है। और जिसमें कि जो OCI है, मतलब कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के जो कार्ड होल्डर्स हैं, उन सब के लिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया गया, उन सब के राइट्स को यहाँ पे फिर से डिफाइन किया गया है। और ये स्टेप जो है पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2005 में हुआ था, उसके बाद 2007 में भी हुआ है, और 2009 में भी हुआ, और अभी रिसेंटली 2021 में ये स्टेप लिया गया है। तो अगर हम बात करें ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो होते हैं, अगर उनके बारे में बात की जाए, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा इनको डिफाइन किया जाता है कि कोई भी पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन है 26 जनवरी 1950 से पहले, या फिर उस दिन या उससे बाद में, और सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि अगर वो पर्सन जो है वो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल है 26 जनवरी 1950 को, उसके साथ साथ अगर मान लो वो पर्सन जो है किसी भी इंडियन सिटीजन का, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन है, उसका या तो वो चाइल्ड है या फिर ग्रैंड चाइल्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उन सारे लोगों को जो OCI है, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि OCI कार्ड होल्डर्स के लिए एक रूल है यहाँ पे कि एक कोई भी एप्लीकेंट जो है उसको OCI का कार्ड नहीं दिया जाएगा, मतलब कि उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं उनके पास में पाकिस्तान या बांग्लादेश की सिटीजनशिप हो। तो ये उसके सेक्शन 7A में बताया जाता है, जिस कैटेगरी को जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा 2005 में ऐड किया गया था। अब यहाँ पे 2015 में एक चीज़ और की गई थी, 2015 जो PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है, उस कैटेगरी को जो OCI की कैटेगरी है उसके साथ में मर्ज किया गया था, जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि 2021 में अभी रिसेंटली क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो इंडिया में मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं विजिटिंग टाइम पे, या विजिटिंग के जो वीज़ाज होते हैं लाइफ लॉन्ग वीज़ाज, उसके बेसिस पे यहाँ पे। और उसके साथ साथ जैसे OCI के जो कार्ड होल्डर्स जो हैं, अगर मान लो वो रिसर्च के फील्ड में काम करना चाहते हैं, जर्नलिज्म के फील्ड में काम करना चाहते हैं, माउंटरिंग में, या फिर मिशनरी, या फिर जिसको तिबलीगी वर्क बोलते हैं, उसके साथ साथ अगर मान लो वो किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर नोटिफाई किया गया है, या फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नोटिफाई किया गया, या प्रोहिबिटेड एरिया के अंदर उसको नोटिफाई किया गया, अगर वो ऐसे एरियाज पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना वर्क करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो OCI के कार्ड होल्डर्स हैं उन सबको प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जो डोमेस्टिक, मतलब कि इंडिया के अंदर ही जो एयर ट्रेवल होते हैं उस पर जो भी फेयर्स होता है वो दोनों लोगों के लिए, यानी कि इंडियन नेशनल्स जो हैं और OCI जो हैं, उन सबको इक्वल रखा जाएगा। उसके साथ साथ जैसे किसी भी मॉन्यूमेंट में या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में जब एंट्री की बात आती है, तो उस पर जो एंट्री फ़ी लगती है वो दोनों की, इंडियन सिटीजन्स की और OCI वाले जो लोग हैं उन दोनों की, सेम ही होगी। अब यहाँ पे जो OCI के कार्ड होल्डर्स हैं उनको NRI के साथ में भी यहाँ पे कुछ चीज़ों में इक्वल रखा गया है। NRI की अगर हम बात करें, जिसको कि नॉन रेजिडेंट इंडियन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे NRIs होते हैं, कोई भी सिटीजन जो कि इंडिया के आउटसाइड रह रहा है उसको यहाँ पे NRI कंसिडर किया जाता है। उसके लिए कंडीशन होती है कम से कम एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में कम से कम 183 डेज, 183 दिन वो बाहर काम करना चाहिए, तभी जाके उसको NRI कंसिडर किया जाएगा। और जो NRIs होते हैं उन सबके पास में वोटिंग राइट्स होते हैं, उसके साथ साथ जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स होते हैं वो उनको पे भी करते हैं, उनको फाइल भी करते हैं। बट अगर उनके द्वारा किसी भी और कंट्री की सिटीजनशिप ली जाती है, अगर वो चाहते हैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेना, तो उसके लिए उनको इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डबल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे OCI के जो कार्ड होल्डर्स हैं वो NRI के इक्वल में यहाँ पे कुछ राइट्स इंजॉय करते हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी भी चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है, या फिर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको परचेज करना है या सेल करना है, इन सब चीज़ों में। अब यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है,
इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए या फिर वो फार्म हाउस नहीं होना चाहिए। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेल करें या फिर परचेज करें, उन दोनों के पास में OCI और NRI इक्वल राइट्स होते हैं। उसके साथ साथ जैसे कोई भी प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए या फिर CA हो गए, यानी चार्टेड अकाउंट जो है, उन सब के जो प्रोफेशंस हैं उन सबको दोनों इक्वली यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे ऑल इंडिया के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं, जैसे नीट का हो गया, जिसको कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है, या फिर JEE मेंस एंड एडवांस का, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस और एडवांस के जो टेस्ट होते हैं, या फिर इस टाइप के जो भी टेस्ट होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, इन सब में जो OCI के कार्ड होल्डर्स हैं वो अपियर हो सकते हैं। बट यहाँ पे जब उनका एडमिशन की बात आएगी तो उनके पास में जो सीट जाएगी वो बेसिकली NRI के कोटा की जो सीट्स हैं उनमें से ही जाएगी। यहाँ पे जैसे OCI के जो कार्ड होल्डर्स हैं उन सबको उन सीटों के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा जो एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व होती हैं। उन सबके अगेंस्ट में उनको वहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा, उनको बस जो NRI की सीट्स हैं उन सबके अगेंस्ट में ही वहाँ पे बेसिकली उनको एडमिशन दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर मान लो कुछ चीज़ ऐसी जो ये नया नोटिफिकेशन लाया गया, इसमें अगर मान लो राइट्स और प्रिविलेज के रिगार्डिंग कोई भी फील्ड, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड से हो, फाइनेंशियल फील्ड से, या एजुकेशनल फील्ड से, कोई भी चीज़ अगर छूट गई है, कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, उसके साथ साथ जो RBI का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसके अंदर एक एक्ट है जिसको कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 बोला जाता है, उसके अंदर भी अगर मान लो कोई भी राइट्स और प्रिविलेज को कवर नहीं किया गया, इन सब से अगर बाहर कोई भी राइट्स एंड प्रिविलेज आता है OCI कार्ड होल्डर्स का, तो उनको बेसिकली यहाँ पे जैसे फॉरनर्स जो होते हैं उन सब की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। जो फॉरनर्स के लिए राइट्स हो तो प्रिविलेज होते हैं उन सब की तरह ही बेसिकली यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। फॉरनर्स मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं जिसको कि फॉरनर एक्ट 1946 के अंदर डिफाइन किया जाता है। एक फॉरनर मतलब वो पर्सन जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है। अब यहाँ पे कई सारे फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात आती है, जैसे कि चाहे वो फॉरनर हो या फिर इंडियन सिटीजन्स हो, उन सब के लिए जैसे जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 14 है, 20 है, 21 है, 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जो हैं, ये सब के लिए अवेलेबल होते हैं। बट यहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए होते हैं, जैसे कि 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो फंडामेंटल राइट हैं ये बस इंडियन सिटीजन्स के लिए, किसी भी फॉरनर्स के लिए ये लागू नहीं होते हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के जो कार्ड होल्डर्स हैं उन सब के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का भी रिसेंट चेंज किया गया उसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।